अपने राजा भैया, अपने गोपाल भैया की तरफ से आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं अपने गोपाल भैया के सामने कि आपके आन बान शान में कभी पूरे जीवन आंच नहीं आने देंगे। आने वाली 19 तारीख को आप लोग बहुमत के साथ जिताइए, पूरे 5 वर्ष एक सेवक की हैसियत से आपका सेवा करेंगे। माननीय गोपाल भैया जिंदाबाद, माननीय राजा भैया जिंदाबाद, सराय कीरत की जनता जिंदाबाद। इस चौपाल में हमारे साथ आए हुए इस ब्लॉक के जनता दल के अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी निराला जी, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण, यहाँ पे उपस्थित सभी प्रत्याशी, प्रधान बीडीसी के सदस्य, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम जी, सबको आदरणीय राजा भैया हमारा प्रणाम। जैसा आपको पता है पंचायत चुनाव चल रहा है, आने वाली 19 तारीख को आपको 4 पर्चे मिलेंगे, एक सदस्य के, एक ग्राम प्रधान, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का और एक जिला पंचायत। जैसा आपको पता है कि राजा भैया कभी प्रधानी बीडीसी में कोई दखल नहीं देते हैं, जिसको आप जिता के भेजते हैं उसी का सम्मान करते हैं। हम आपसे केवल जिला पंचायत में अपील करने आए हैं और क्योंकि हम भाषण नहीं दे रहे हैं, क्यों जिला पंचायत में आपको वोट देना है इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हर बार आपसे जिला पंचायत में ही क्यों हम लोग वोट मांगते हैं, उससे क्या लाभ आपको है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देश आजाद होने के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद नॉमिनी जिला पंचायत गवर्नर नॉमिनेट करता था जिला पंचायत सदस्यों को, उसमें से अध्यक्ष चुना जाता था। उसके बाद निर्वाचन होने लगा, चुनाव होने लगा, चुनाव में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, तब से जिला पंचायत में सबसे ज्यादा बजट आने लगा। 2000 में पहली बार आपके यहां से बिंदुश्री पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, पहले यानी 53 साल बाद आपके यहां कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, 53 आजादी के 53 साल बाद, पहले सब बीरापुर पट्टी के होते रहे। कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष बैनाथ पांडे सबसे पहले 2002 में हुए, इसके पहले कोई कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष यहां से नहीं होता था। बिंदुसी पटेल एक सामान्य परिवार के थे, जब आपके राजा भैया राजनीति में नहीं आए थे, उनके भाई बिंदुसी पटेल वीडियो थे, उनके भाई मोहन थे, वो प्रमुख लड़ना चाह रहे थे, उस समय के राजनीतिक लोगों ने उनकी हत्या करा दी थी। बिंदुसी पटेल उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको टर्मिनेट कर दिया गया वीडियो पद से। राजा भैया राजनीति में आने के बाद उनको बहाल कराए और फिर कुंडा ब्लॉक से लाके चुनाव लड़ाकर उनको जिले के प्रथम नागरिक के पद पर बैठाया। कमला देवी सरोज जो कि आपकी बगल की हैं, उनको जिले के प्रथम कुर्सी पर बैठाकर राजा भैया ने बैठाया। आपने देखा होगा जो भी एमएलए हो जाता है सबसे पहले अपने परिवार से किसी न किसी को लड़ाता है, चाहे प्रमुख हो चाहे जिला पंचायत हो, लेकिन राजा भैया ने आपको ही अपना परिवार माना, आप में से ही लोगों को आगे बढ़ाया। घनश्याम यादव जो आपके बीच के हैं, सामान्य सीट से, ये नहीं कि बैकवर्ड सीट थी, सामान्य सीट से उनको अध्यक्ष लाया, लेकिन उस समय हम घर से कमजोर चले थे, बहुत कम सीटें हमको मिली थी, जिसकी वजह से 2 वोटों से हमको हार का मुंह देखना पड़ा। दोबारा उमाशंकर को चुनाव लड़ाए, लेकिन शानदार लड़ाई लड़े हम लोग। उसके बाद उमाशंकर जी को चुनाव लड़ाया गया, उनको भी सामान्य सीट से लड़ाया गया, ये नहीं कि जो है बैकवर्ड सीट थी। राजा भैया चाहते तो अपने परिवार से किसी को लड़ा सकते थे, लेकिन समाज को ही हमेशा परिवार उन्होंने माना, समान सीट से लड़ाया और विपक्ष को मात्र 2 वोट मिले, हम लोग 2 से हारे थे, उनको 2 मिले, जिसको कहते हैं मेड़े के दांव
दाड़े पे। आज कोई ऐसा गांव नहीं बचा है 2000 की पहले की। आप अपने गांव में बताइए कि जिला पंचायत से कहीं भी कोई काम हुआ हो, एक काम बता दीजिए हमको कि आपके गांव में हुआ हो, और अब कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहां जिला पंचायत से काम ना हुआ हो। ऐसा नहीं कि 17 सीट आप दे देंगे तो वोट बन जाएगा, 17 और राजा भैया के नाम पे मैनेज करना पड़ेगा तब जाके वोट बनेगा। तो राजा भैया ने जब से नेतृत्व संभाला आपके गौरव को, चाहे वो प्रदेश जनपद में रहा हो, जनपद में पहले आप सहयोग किया करते थे, अब जनपद में आप राज करते हैं यानी जिले में ना, चाहे कॉपरेटिव बैंक, पहले 53 साल जब तक राजा भैया राज्य में नहीं आए केवल आप जो है जैसे सुनी लगाते थे, सहयोग किया करते थे, अब वहां पे पूरा छप्पर डाल के बैठे हुए हैं, आपका छप्पर है वह। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे उछलते कूदते हुए बरसाती मेढक की तरह, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन उनसे पूछिए ना कि आपको हम वोट क्यों दें। भाई वोट दिया जाता है किसी कारण से दिया जाता, क्या वो अपना वोट बना लेंगे या कुंडा बिहार का अध्यक्ष बना लेंगे, क्या कर लेंगे जरा आप उनसे पूछिए। अगर वो कहते, लेकिन हम आपसे दावा करते हैं कि अगर बबलू को जिता के भेजेंगे तो आपका ही प्रताप कुंडा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा तो विकास की धारा सीधे कुंडा बिहार में गिरेगी, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। चुनाव हमारा चुनाव नहीं है। अब देखिए सरकार की स्थिति देखिए, सरकार आपको 6000 कितना उस साल में किसानों को भेजती है ना, 6000 वापस लेने की व्यवस्था कर दी उसने। अब जो DAP 1200 की थी वो 1900 की हो गई, जो यूरिया 300 की था 400 का हो गया, 500 का हो गया। अब जितना आपको साल भर में दिया उन्होंने उतना साल भर में वापस हो जाएगा। और अभी तक जो आपका कोटेदार तेल नहीं देता था तो आप क्या करते, डिब्बा लेके पहुंच जाते थे DM तक, SDM क्या ना, खा गए तेल पी गए, खा गए चीनी पी गए तेल, देखो वही देखा। अब देखिए अभी कोरोना की स्थिति कितनी खराब है ना, पिछले बार से ज्यादा खराब है, लेकिन जहां जहां उनकी सरकार नहीं वहां तो TV में दिखाते हैं। और जहां लखनऊ में एक भी बेड कोरोना के लिए नहीं मिल रहा है, आप लोग भी बच के रहिए, संभल के रहिए, एक भी बेड नहीं मिल रहा है। और जब कोरोना पीक पे था कोई भाजपा और सपा का नहीं दिखा, राजा भैया का परिवार ही अपने परिवार के बीच में खड़ा रहा। इसी के साथ ये चुनाव की जिम्मेदारी आप आपस में जाहिर जो करिए प्रधानमंत्री जी में, लेकिन जिला पंचायत में एकजुट होकर बबलू को जिता के भेजिए ताकि आपका प्रदेश में वोट बनेंगे। जय हिंद जय भारत।